दोस्त लेट्स गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दोस्त आपका निखिल और आज हम आए हैं मोरेश्वर गांव में और मोरेश्वर गांव पुणे से 70 किलोमीटर दूरी पर है। तो अभी हम मोरेश्वर के दर्शन करेंगे। यहाँ पे मंदिर की एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे सिंधु नाम का जो राक्षस था उसका वध करके गणेश जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो आज हम गणेश जी के दर्शन करेंगे और ये अष्टविनायक मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। मोरेगांव मंदिर पुणे के आसपास गणेश के 8 प्रतिष्ठान मंदिरों की तीर्थ यात्रा को पारंपरिक बिंदु है। मंदिर परिसर में अष्टविनायक के नाम से जाना जाता है। यदि तीर्थयात्री तीर्थयात्रा के अंत में मोरेगांव मंदिर के दर्शन नहीं करता है तो तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाती है। मोरेगांव मंदिर में केवल अष्टविनायक सर्किट में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बल्कि इसे भारत का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप से भी वर्णित किया गया है। मोरेगांव आध्यात्मिक पीठ गणपति संप्रदाय की पूजा का सबसे प्रमुख केंद्र है जो गणेश को सर्वस्व व्यक्ति मानता है। यह अष्टविनायक सर्किट में सबसे बड़ी संख्या में तीर्थयात्री को आकर्षित करता है। प्राणपंत संप्रदाय के दोनों प्राथमिक ग्रंथ में मोरगांव की प्रशंसा करते हैं जबकि मूर्धन्या पुराण में मोरगांव की महानता के लिए 22 अध्याय समर्पित किए गए। गणेश पुराण में कहा गया है मोरगांव गणेश के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और पृथ्वी में एकमात्र है। अगर दंत कथा के बारे में देखा जाए तो गणेश पुराण के अनुसार गणेश ने मयूर वेश के रूप में अवतार लिया जिनकी 6 भुजाएं और सफेद रंग है। उनकी सवारी मोर पर है। उनका जन्म त्रेता युग में राक्षस सिंधु के मारने के उद्देश्य शिव और पार्वती से हुआ था। सिंधु मिथिला राजा चक्रपाणी और उनकी पत्नी उगा के पुत्र थे। उगा ने सौर मंत्र की शक्ति से गर्भ धारण किया था लेकिन भ्रूण ने निकलने वाली आध्यात्मिक गर्मी को सहन नहीं करने में असमर्थ थे इसलिए उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ दिया था। जल्दी इस पतिमूर्त में एक पुत्र का जन्म हुआ और समुद्र से उसे दुखी पिता को लौटा दिया जिसका नाम सिंधु महासागर रखा। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हो। बाय।